अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन सीएसएस 2024। ये फाइनल एग्जाम की टिप्स और ट्रिक्स। फर्स्टली, आप अपने लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें, और सारे अपने जो कोर्स कंटेंट्स पढ़े हुए हैं आप उनको वन पेजर्स के अंदर कंडेंस कर लो टाइप नोट्स के अंदर, जिसमें आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा, हेडिंग्स और सारी चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप इनकॉर्पोरेट करनी है। कीप देम ब्रीफ, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और एग्जाम वीक के अंदर आपने बुक्स रिवाइज नहीं करनी, आपने लॉन्ग नोट्स बहुत ज्यादा नहीं देखने, यू हैव टू रिलाय ऑन योर वन पेजर नोट्स। सेकंडली, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स के अंदर आपको हाफ एन आवर मिलते हैं एमसीक्यूज करने के लिए। आपने हाफ एन आवर नहीं लेना एमसीक्यूज या आते हैं या नहीं आते, आपने 15 मिनट्स में अपने एमसीक्यूज खत्म कर लेने हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एग्जाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 9:15 बजे तक आप अपने एमसीक्यूज खत्म करें, और 9:20 तक आप अपना पहला सब्जेक्टिव सवाल स्टार्ट कर दें, एंड ट्राई टू गेट डन विद इट बाय 10 AM। 1 आवर के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप अपने एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लें और सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लें। इससे आपको रिमेनिंग 2 आवर्स मिलेंगे टू डील विद द रिमेनिंग 3 questions, which will help you complete your exams। और CSS में बहुत ज्यादा लोग अपने exams complete नहीं कर पाते। पहला सवाल 15 सफों का लिख दिया, दूसरा 12 का, तीसरा 6 का, और चौथे के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। So, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम सारे सवालों को बैलेंस वे में लेकर चलें। कम से कम 8 सफे हम हर सवाल के लिए लिखें, 8 से 9 सफे आर मोर देन एनफ, और सारे सवालों को बैलेंस लेकर चलें। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि अपने CSS के अंदर आप जितने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस इंसर्ट कर सकते हो उतना आपको फायदा है। ब्लू पेन से आपने अपना मेन राइटअप लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, और आपने अपनी हेडिंग्स जो है वो मार्कर से बनानी है, जो आपका ब्लू मार्कर होता है। सो ट्राई टू रैप अप, अगर आपका 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 9:15 बजे एमसीक्यूज खत्म करें, 9:20 तक आंसर शीट फिल करके 9:20 यू गेट स्टार्टेड विद योर सब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 10 o'clock तक गेट डन विद इट, 2 आवर्स आपके पास है, आराम से अपने एग्जाम्स कंप्लीट कर सकते हो। CSS अगर आपने पास करना है, एक आपकी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, दूसरा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पेपर्स को बैलेंस वे में टाइमली कंप्लीट करो, और चारों सवालों को इक्वल इंपॉर्टेंस, वेट और लेंथ लेके चलो। अगली चीज ये साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में साइंस की जहां तक बात है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर पार्ट के अंदर डायग्राम इंसर्ट करो। फॉर इंस्टेंस, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का भी सवाल आया है, तो आप उसके अंदर वाटर दिखा सकते हो, सन बना सकते हो, आप विंड मिल दिखा सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू इंसर्ट डायग्राम्स इन एवरी पार्ट। एंड फॉर मैथ्स, आपके कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप 2-2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू गेट फुल क्रेडिट, आपने मेक श्योर करना है कि आप सारे स्टेप्स करो, पूरा एक एक सवाल एग्जामिनर को मैथमेटिकल टर्म्स में ब्रेक करके फीड करो, ताकि आप लोग क्वालिफाई करने के चांसेस मैक्सिमाइज करो। और GSA में स्कोर हाई करने का तरीका ये है कि मैथ्स के सवाल को भी आपने पूरे पेज के ऊपर प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ करके सॉल्व करना है, और ये देखें क्वेश्चन आपसे मांग कर रहा है। साइंस के लिए यू हैव टू मेक श्योर आप कम अज कम 1 से 1.5 सफा एक पार्ट के लिए लो, और कम अज कम 1 डायग्राम आपकी हर पार्ट के अंदर आनी चाहिए, नहीं भी बन रही तो आप जबरदस्ती इंसर्ट करो। फॉर इस्लामिक स्टडीज, द ट्रिक इज कि आपके पेज पे मैक्सिमम हेडिंग्स हो, जितना आप ज्यादा डेटा दे सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कुरानिक वर्सेस और अहदीस का रेफरेंस देके अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रेंथन और सब्सटेंशिएट करोगे। कुरानिक वर्सेस के लिए आप ब्रैकेट में अल कुरान लिख सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं आता, और हदीस के लिए आप सही बुखारी या आप सही मुस्लिम है उसको कोट करके आप अपनी हदीस को कोट कर सकते हो। सो द ट्रिक टू स्कोर हाई मार्क्स इन इस्लामिक स्टडीज इज टू गिव एज मेनी कोटेशंस एंड रेफरेंसेस फ्रॉम द कुरान एंड अहदीस टू स्कोर हाई। एक क्वेश्चन के लिए आप कोशिश करो 8 से 10 कुरानिक वर्सेस और अहदीस का सहारा लेके अपना आंसर को आप कंस्ट्रक्ट करो। अगली चीज ये है कि इस वक्त सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स, आप इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेटा, स्टैटिस्टिक, फैक्ट, फिगर्स की एक शीट तैयार कर लो, जो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोई भी अच्छे क्रेडिबल सोर्स से आप अपने चीजों को इकट्ठे कर सकते हो, और आपने उसको एग्जाम वीक के अंदर कोशिश करना है लेटेस्ट फिगर्स को आप याद करके कोट करें, जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो मेक अ गुड कॉम्प्रीहेंसिव शीट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको IR, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, SA और तमाम ऑप्शनल्स और बाकी कमर्सीज में भी असिस्ट करेगा और आपको स्टैंड आउट करने के चांसेस देगा। उसके अलावा SA के लिए बहुत जरूरी है 3 चीजें। नंबर 1, आप टॉपिक को डिकोड ठीक करो, आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक हो, और जो आप टॉपिक की स्टेटमेंट है क्या आप उसको सही समझ रहे हो। दूसरी, आपने अपनी अंग्रेजी मुश्किल नहीं लिखनी, कीप इट एज सिंपल, कंसाइज, क्रिस्प, इजी टू अंडरस्टैंड, लूसिड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, आपने उसको बिला वजह कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये है बहुत जरूरी है, आपने आसान अंग्रेजी में अपना एसे लिखना है, और बाकी CSS के भी आपने एग्जाम्स सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में दें। थर्डली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
पहला वजह, वर्ड लेंथ को चेज मत करो। 3,500 वर्ड्स के चक्रों में अपने एसे को ओवरकिल और ड्रैग नहीं करना। वी विल ट्राई टू कीप इट अराउंड 1800 टू 2200 वर्ड्स। 2,200 वर्ड्स का भी एसे आपको एक बहुत अच्छा मार्क्स दे जाता है, बिकॉज एसे इज अबाउट सर्वाइवल। सो बेसिक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश यूज करनी है, टॉपिक को इंटरप्रिटेशन ठीक रखनी है, और तीसरा आपने 2,000 से 2,200 वर्ड्स का एसे लिख। एक और इसमें बहुत जरूरी चीज है आपकी आउटलाइन। आउटलाइन को आपने कम से कम 45 मिनट्स देने हैं, और योर आउटलाइन शुड बी अराउंड 2.5 टू 3 पेजेस लॉन्ग, जिसमें बड़ी अच्छी वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ओरिएंटेड और एग्जांपल्स के साथ आपकी आउटलाइन हो, क्योंकि आउटलाइन देख के ही एग्जामिनर अपना माइंड बना लेता है काफी हद के बच्चे का लेवल क्या है और वो कितने पानी में है इंग्लिश एसे के हवाले से। सो मेक श्योर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना एसे आपने कंप्लीट जरूर करना। तो ये कुछ एसे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सिंस आपका ये पहला एग्जाम होगा आपने ये चीजें यू हैव टू बेयर देम इन माइंड। अगली चीज ये है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए सीएसएस के अंदर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे सवाल अपने आप उनको लिखते हुए मत सोचें। आप अपना सवाल अटेम्प्ट करने से एक रफ आउटलाइन बनाएं अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ब्रेनस्टॉर्म करें, अच्छी तरह सोचें इसकी हेडिंग क्या होगी, इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे, हेडर्स क्या होंगे, उसके बाद स्टार्ट राइट। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, लिखते हुए सोच रहे होते हैं एंड देन दे आर अनएबल टू कंप्लीट देयर टाइम, प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं होता। सो माय स्ट्रांग एंड हंबल रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि बिफोर यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे अपना पहला सवाल 9:20 पे स्टार्ट करते हो एमसीक्यूज करने के बाद, 5-7 मिनट आप अच्छी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रफ आउटलाइन बनाएं अपने लिए, एग्जामिनर के लिए नहीं, उसके बाद अपना सवाल शुरू करें और उसकी भी डिटेल्स आप फिल कर दो। आपके दिमाग में पूरा मैप और स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाओ और उसके आपने सिर्फ डिटेल्स फिल करनी। सो मेक श्योर दैट यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेक योर आउटलाइन बिफोर यू स्टार्ट योर क्वेश्चन। उसके अलावा सिंस देयर इज बेरली एनी टाइम लेफ्ट, इस वक्त यू शुड बी रिवाइजिंग एज मच एज पॉसिबल, रिटन प्रैक्टिस करें, अकेडमी में मॉक्स दें, हमारा किप्स का भी मॉक टेस्ट ग्रैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप उसमें आके अपने आप को एनरोल करो और प्रिपेयर हो। यू हैव टू गो थ्रू रियल टाइम सिमुलेशन, अपने आपको टेस्ट दें, अपने आपको इवैल्यूएशन करवाएं रियल टाइम, अपने आपको टाइमली इवैल्यूएट करवाएं और राइट एंड रिटन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल करें। सिर्फ आपके अब दो काम है, आप रिवाइज करें और आप अपनी रिटन प्रैक्टिस करें एज मच एज पॉसिबल। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि सिंस ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, यू शुड बी वेल रेस्टेड, यू शुड बी वेल वर्स्ड, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। सो मेक श्योर दैट इन योर एग्जाम वीक यू स्लीप 8 hours अ डे, रिवाइज योर वन पेजर्स, अपनी डाइट में फ्लूइड्स रखें, इनटेक अपनी अब हेल्दी रखें, बहुत ज्यादा खाना ना खाएं ताकि आपको लेजीनेस ना हो। सो मेक श्योर कि आप जो है फ्लूइड्स की इनटेक रखो और एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, बिकॉज एग्जाम वीक इज वेरी कम्बर्सम एंड वेरी स्ट्रेनुअस। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को बैलेंस लेकर चलो, आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है एग्जाम वीक के अंदर, आपने बुक्स नहीं पढ़नी, लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ शॉर्ट पेजेस पढ़े, अपनी नींद पूरी की, स्ट्रेचिंग की, साथ आपने फ्लूइड्स लेने, और एग्जाम के अंदर आप सिर्फ एक छोटा सा जूस कैरी कर लो या कोई ऐसी चीज ले लो जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे दे। डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ जंक एंड मेक श्योर ये सारी चीजों का आप बैलेंस। लास्टली, सीएसएस इज अ गेम ऑफ नर्व्स, इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो स्टे कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू एस योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।